सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में बवाल के बाद इंटरनेट सेवा बंद की गई है। सम्राट मिहिर भोज गुज्जर गौरव यात्रा के दौरान बवाल हुआ और गुज्जरों द्वारा निकाली जा रही यात्रा का ठाकुर समाज ने विरोध किया। हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग सड़क पर उतर आए। जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद गुज्जर समाज ने ये यात्रा निकाली। एडीजी मेरठ जोन राजीव तबरवाल ने सहारनपुर में बैठक की, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ये बैठक की और मेरठ से भी 3 प्लाटून पीएसी सहारनपुर भेजी गई हैं। एसपी क्राइम पीएसी प्लाटून के साथ सहारनपुर भेजे गए हैं। सहारनपुर में भारी पुलिस बल तैनात है। अफवाह पर ध्यान न देने की प्रशासन ने अपील की है। खबर बागपत से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने पीटा और समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। गुज्जर गौरव यात्रा में शामिल होने सहारनपुर जा रहे थे अतुल प्रधान और अतुल प्रधान के समर्थकों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। न्यूज वन इंडिया के पास अतुल प्रधान के साथ मारपीट का वीडियो भी है, धक्का मुक्की जिसमें होती हुई दिखाई दे रही है और धक्का मुक्की के बाद धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। और इस वक्त मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ हैं, उनके साथ अतुल प्रधान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे वो बात करेंगे, उन्हें सुनते हैं। अतुल देखिए राजेश, मेरठ से अतुल प्रधान सरदना से विधायक हैं, अपने समर्थकों के साथ सहारनपुर जा रहे थे। उसी बीच अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बागपत पुलिस ने अतुल प्रधान को रोकने का काम किया है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अतुल प्रधान है। अतुल जी, क्या मामला हुआ है, क्या विवाद था और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस हाथापाई तक नौबत आ गई है, क्या मामला हुआ है? देखिए, पुलिस का जो रवैया है वो बहुत खराब है और जनप्रतिनिधियों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार पुलिस का है तो आम लोगों के साथ कैसा होगा, ये आप सोच कर देखिए। मैं आज अपने मत का उपयोग कर लखनऊ से, और मत का उपयोग मैंने किया, एमएलसी का चुनाव था उसमें हम लोग अपने वोट डाले और वोट डालने के बाद मैं एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली आया, लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर। और जैसे मैं मेरठ की तरफ आ रहा था तो पता चला कि पुलिस बहुत खड़ी हुई है, तो हम लोग बागपत बॉर्डर से, सिर्फ मैं था, ड्राइवर थे और एक और व्यक्ति थे, मैं अकेला ही था लगभग। तो रास्ते में देखा कि जैसे ही पेरिफेरल से उतरा, बड़ी संख्या में पुलिस खड़ी है, सीओ इंस्पेक्टर्स खड़े हैं। और जब उनके नजदीक तक हम लोग पहुंचे तो मैं अकेला ही था, तो वहां पर उन्होंने रोकने की कोशिश की। हालांकि जनप्रतिनिधियों को रोका जाता है, डिटेन किया जाता है और कई बार गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस लाइन ले जाता है, कई बार जेल भी चले जाते हैं लोग, उसकी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ, एक सीओ की, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी हैसियत औकात तब होती है जब सरकार उससे गलत करानी चाहे, और इससे कोई मुझ पर फर्क नहीं पड़ने वाला, और जनता भी सब देखती रहती है और जनता सब देख रही है। जहां शासन प्रशासन, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी सहारनपुर में, ये तो नौजवान साथियों के संयम का परिचय नौजवान साथियों ने दिया, और जो गुजर गौरव यात्रा निकल रही थी उसे रोकने का, उसको तोड़ने का, उसको अलग अलग तरीके से इधर उधर की बात करने का खूब प्रयास किया गया। शासन प्रशासन चाहता तो पहले से ही लोगों से बात करके इन चीजों को सुलझा सकता था, लेकिन वहां पर ये अच्छा रहा, उन्होंने संयम का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक तरीके से गुजर गौरव यात्रा सहारनपुर में निकली, जिसमें पता चला लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो। मुझे भी उसमें जाना था, लेकिन शासन प्रशासन ने परसों भी गिरफ्तार किया, हम लोगों को दिल्ली जाना था, आज हम लोगों को जाना था सहारनपुर। तो हम लोग जैसे ही उतर के चले तो बागपत में अरेस्ट कर लिया गया, फिर बड़ी संख्या में फोर्स आई, वो हमको मेरठ के बॉर्डर तक छोड़ के गई, फिर मेरठ पुलिस ने हम लोगों को यहाँ पर पुलिस लाइन में रखा हुआ है। हाथापाई की नौबत आई। दूसरी बात यह कि लगातार देखा जाए तो अतुल प्रधान पर पुलिस निगाह बनाए हुए, दिल्ली पहलवानों के समर्थन में जाने की बात हो या फिर जो गौरव यात्रा है, गुजर गौरव यात्रा, उसमें जाने की बात हो, तो क्या इसको लेकर के मानते हैं, पुलिस की क्या कार्यशैली है? देखिए, मेरा एक कहना है कि पुलिस के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि लो एंड ऑर्डर तो मेंटेन रहे, और जनप्रतिनिधियों को खास तौर से जैसे कहीं जाते हैं तो कोशिश ये रहती है जनप्रतिनिधि किसी की कि लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई माहौल खराब ना हो। माहौल खराब करने वाले जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस उनसे दूर है, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको रोकने का काम करती है पुलिस। हम लोग उनकी ऐसी सोच के खिलाफ है। पुलिस को लगता है कि आपके पहुंचने से माहौल खराब होता वहां पर? अरे कैसे माहौल खराब हो जाता,
हम लोग जा रहे थे, बुलावे पर जा रहे थे, और हमारे से तो बिल्कुल ये कोशिश ये हमेशा समझ के रखना चाहिए शासन प्रशासन के लोगों को कि हम लोगों ने कभी ये मनसा, चाहे हम पक्ष में चाहे विपक्ष में, कभी ये मनसा नहीं रखी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, कोई तोड़फोड़ हो जाए, किसी के साथ बदतमीजी, हम नहीं चाहते। जिस तरह से हाथापाई हुई है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? हम लोग उसको जो है कोर्ट में भी डालेंगे, कोर्ट के साथ साथ हम लोग सदन में भी उसको बात को उठाएंगे। अभी कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर और सीओ को सब लोगों को कटघरे में वहां पर खड़ा किया गया, तो मेरी विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी जरूर इस बात का संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से हम लोग इसको सदन में लेके जाएंगे। तो देखिए राजेश, यहाँ पर अतुल प्रधान मेरठ की पुलिस लाइन में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं भारी समर्थक जो हैं इनके साथ में यहाँ बैठे हुए हैं, और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो सहारनपुर जाने के लिए निकले थे अतुल प्रधान अपने जो समर्थक हैं उनके साथ, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया है। अगर फिलहाल की बात की जाए तो मेरठ की पुलिस लाइन में समर्थकों के साथ अतुल प्रधान को डिटेन कर रखा है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो परसों की बात है, जिस वक्त कल की बात है, जैसे कि दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, बीच में ही पुलिस ने पहलवानों के समर्थन में जा रहे थे अतुल प्रधान, पहले ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, कल भी डिटेन किया था, और आज की बात की जाए तो आज फिर दोबारा डिटेन करने का काम किया। लगातार देखा जाए तो अतुल प्रधान का कहना है कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, अभद्रता की है, उसको लेकर के विधानसभा में भी मुद्दा उठाया जाएगा और साथ ही कोर्ट तक अतुल प्रधान जाएंगे। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए और बातचीत के लिए, चूंकि कई चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। अतुल प्रधान के साथ पुलिस की जो धक्का मुक्की हुई थी उस पर उन्होंने खुल के अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे उस वीडियो की ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उस वक्त की जब यहाँ पे पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी उनके साथ यहाँ पे की गई अतुल प्रधान के साथ, और समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं। तो सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुज्जर और राजपूत समाज में विवाद था, और गुजर समाज ने आज सम्राट मिहिर भोज यात्रा निकाली, पुलिस प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, इसके बाद वहां पे तनाव है। उसी यात्रा में शामिल होने के लिए अतुल प्रधान जा रहे थे, उनको रोका गया वहां पे, और जब रोका गया तो इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आई। पुलिस की तानाशाही अतुल प्रधान को परेशान करते हुए,